हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सेवन का मैथ है, क्लास सेवन चैप्टर वन है और एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुका है और इसमें इंटेजर्स चैप्टर है ये। तो इसमें फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटेजर्स हुज सम इज -7। एक पेयर बनाना है, एक जोड़ा बनाना है, दो नंबर लिखना है जिसको जोड़ने से -7 आना चाहिए। इसको आसानी से किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये है वन नंबर क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और ए नंबर में क्या कह रहा है, सम इज -7 ये कह रहा है। इसका मतलब है कि एक नंबर आपको लेना है, ब्लैंक हो गया, सम मतलब प्लस हो गया, और फिर एक ब्लैंक, एक खाली, और यहाँ पे इक्वल टू आपका कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। यही है, इन दोनों प्लेस पे कौन सा नंबर डाला जाए कि इतना -7 आ जाए। तो यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं, -4 डाल देते हैं, -4, और एक -3 डाल देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं और -3 कर देते हैं, ये हो गया। तो इस तरह से ये माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -4 -3 इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर मैं दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी दूसरा आंसर इसका हो सकता है, इसमें और भी इसका दूसरा आंसर आ सकता है, और बुक में आपका आंसर जो दिया होगा वो डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारा नंबर इसमें आ सकता है, ये भी एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर में यहाँ पर डिफरेंस इज -10, तो डिफरेंस -10 आना चाहिए, डिफरेंस इज -10। तो डिफरेंस जो है मतलब क्या है, इस तरह से एक यहाँ पे ब्लैंक हो गया, फिर डिफरेंस माइनस हो गया, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक हो गया, और इक्वल टू -10 ये आना चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ले सकते हैं -5 और यहाँ पे एक प्लस, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है तो हम +5 यहाँ पे, मतलब 5 यहाँ पे अगर रख देते हैं तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। या फिर आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल और दे देते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे ब्लैंक है और फिर यहाँ पे -10। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बड़ा नंबर ले सकते हैं, माइनस का एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, -11 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं माइनस, फिर -1 ले लेते हैं। इस तरह से ये -11 और ये माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -11 + 1 अगर इसको सॉल्व करने से 11 में -1 हो जाएगा तो फिर -10 बचेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर जो रहता है उसी का साइन भी रहता है, तो -10 हो जाएगा। इस तरह से कई सारे आंसर हो सकते हैं। उसके बाद सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में सम इज 0, सम इज 0, तो इसमें क्या करना है, सम मतलब एक ब्लैंक हो गया और सम मतलब प्लस हो गया और फिर एक ब्लैंक हो गया और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लीजिए, सबसे पहले जो है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोल रहा है, तो एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -1 और एक +1 ले लेते हैं। इस तरह से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये 0 ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, ए नंबर में राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, मतलब नेगेटिव नंबर लेना है यहाँ पे, और हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिसका डिफरेंस मतलब घटाने के बाद जो है 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 2 नंबर का ए है, एक ब्लैंक मैंने लिया है जिसमें से नेगेटिव, और दूसरा ब्लैंक उसमें डिफरेंस देना है, तो ये दूसरा जो है डिफरेंस कह रहा है उसका डिफरेंस है, और फिर एक ब्लैंक लेना है, एक खाली जगह, और फिर इसमें एक नेगेटिव इंटीजर्स डालना है, उसके लिए एक ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर डालें कि 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है प्लस हो जाएगा, जब ये खुलेगा यहाँ जो भी नंबर रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा, तो हमको लाना है आंसर प्लस में, तो हम प्लस वाला जो नंबर है वो बड़ा नंबर रखेंगे, बड़ा रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं, 9 रख लिए, और इसमें से यहाँ पे 1 जो है नेगेटिव नंबर रहेगा 1, तो ये जो है माइनस होगा, तो यहाँ प्लस हो जाने के बाद +9 में -1 हो जाएगा, तो +8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको भर सकते हैं। इसका आंसर, इसके अलावा और डिफरेंस भी हो सकता है, जो आंसर दिया हुआ है उसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं।
अब टू नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज माइनस फाइव। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर बी है और इसमें एक हम घर बना लेते हैं जैसा कि बताया गया है। सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, तो नेगेटिव और ये ब्लैंक रख लेते हैं यहाँ पे खाली, तो यहाँ कोई भी नंबर आएगा और उसके बाद सम बोल रहा है तो सम में प्लस हो जाएगा, प्लस और एक पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे नेगेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है और हमें मिलना चाहिए इक्वल टू माइनस फाइव मिलना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे माइनस में हमको लाना है और ये प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ दो साइन हो रहा है, तो माइनस का नंबर अगर हम बड़ा रखते हैं तो हमको माइनस में आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम क्या रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख लेते हैं, इसमें बड़ा नंबर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिक्स रख लेते हैं, ये सिक्स हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेना है तो यहाँ वन रख लेते हैं, और इस तरह से माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, सिक्स में से वन माइनस हो जाएगा, बच जाएगा फाइव और साइन माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर का जो साइन होता है वही साइन यहाँ रहता है। इस तरह से माइनस सिक्स और वन, इस तरह से हम पेयर बना सकते हैं। अब सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव हुज डिफरेंस इज माइनस थ्री। तो उसी तरह का इसमें भी दिया हुआ है, सी नंबर यहाँ पे बना लेते हैं सी, और जैसा कि बतलाया हुआ है ये सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव के लिए माइनस दे दिए और ये ब्लैंक दे दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस मतलब यहाँ पे माइनस, और फिर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे ब्लैंक सिर्फ रखते हैं और हमें मिलना चाहिए माइनस थ्री। तो माइनस थ्री मतलब सिचुएशन यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमको माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो ये बड़ा होना चाहिए और ये जो है प्लस, यहाँ भी हमको, यहाँ हमको पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो ये माइनस में ही रह जाएगा और ये है माइनस में रहेगा, तो दोनों ही माइनस में आ जाएगा। तो हम नंबर आसानी से इसमें टू रख सकते हैं, टू नेगेटिव इंटीजर हो गया, और इसमें रख सकते हैं वन जो कि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है वन, तो माइनस टू माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन, ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया।